Good morning, students. I am Amita Seth. Welcome to MBVVN online classes. And today we are going to start a new chapter, that is the anime, which is written by Pearl S. Buck. And in this chapter, we are going to read about a Japanese surgeon who is actually a great patriot, who is a great surgeon, and who is a great human being. So all these responsibilities he had fulfilled by his own. This is also an important question, that Dr. Sadao Hoki, who is the main character, main protagonist of this chapter, he is a Japanese doctor and he is a great patriot, he is a great human being, and he is a great surgeon also. So he had fulfilled all his responsibilities simultaneously. So you have to explain within examples. Okay, now let's start the very interesting chapter. Though this chapter is lengthy, but you see, this is a very interesting story, and let's start the chapter. It is a time of the World War. An American prisoner of war is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor. Should he save him as a doctor or hand him over to the army as a patriot? Okay, so World War ka scene hai thoda. एक अमेरिकन उस समय क्या हुआ था, एक्चुअली जापान और अमेरिका, आपने नागासाकी, हिरोशिमा नागासाकी के बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में सुना ही होगा. तो अमेरिका ने जब हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब ब्लास्ट करे थे, तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, ह्यूमन डिस्ट्रक्शन हुआ था, मैनुअल डिस्ट्रक्शन, इवन फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था. और उसकी जो मतलब सिचुएशंस हैं वो काफ़ी कंट्रोल ही नहीं हो पाई थी काफ़ी सालों तक. और आज तक हम देख सकते हैं कि जापान में उसकी जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, जो उसकी आज तक मतलब आप देख सकते हैं कि उनका इफ़ेक्ट है आज भी इंसानों की लाइफ पर. ठीक है, तो जापान जो था वो अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, दुश्मनी थी उसकी. ठीक है, तो उस हालत में वो किसी अमेरिकन पर्सन को भी पसंद नहीं करते थे. तो वर्ल्ड वॉर के दौरान एक अमेरिकन सोल्जर था, वो एक्चुअली इंजर्ड जो है वो जापान में आ गया था वाया सी रूट, है ना. और इसी वजह से वो जापान में जब आया तो किस तरह से डॉक्टर सदाओ होकी ने उसको सर्व किया एक अमेरिकन को, जबकि उसको बिल्कुल भी अमेरिकन से नफरत ही थी, उसको अच्छे नहीं लगते थे अमेरिकन. और उसका किसी ने भी साथ नहीं दिया उस सोल्जर को, इंजर्ड सोल्जर जो था उसे मतलब ठीक करने में, उसे सर्व करने में, उसकी सेवा करने में किसी ने भी उसका साथ भी नहीं दिया. लेकिन देखते हैं कि अब वो एज अ डॉक्टर उसको ठीक करता है, या उस एज अ पैट्रियट, देशभक्त होने के नाते, क्योंकि अमेरिका से उनके अच्छे संबंध नहीं है जापान के, तो देशभक्त होने के नाते क्या वो गवर्नमेंट को उसे सौंप देता है. तो लेट्स सी एक्चुअली वो क्या करता है. डॉक्टर सदाओ होकी हाउस वॉज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ द जापनीज कोस्ट वेयर इज लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड. तो डॉक्टर सदाओ होकी हैं, एक जापनीज सर्जन हैं, उनका जो घर है वो जापनीज कोस्ट पर यानी सी बीच पर बना हुआ है, और एक छोटा सा अच्छा सा घर है, और बचपन से डॉक्टर सदाओ होकी वहीं पर रहते हैं और उसी बीच पर खेलकर बड़े हुए हैं. द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वॉज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबाउ अ नैरो बीच दैट वॉज आउटलाइंड विद बैंड पॉइंट्स. तो एक नीचे की तरफ स्क्वायर स्टोन हाउस बना हुआ है, स्क्वायर शेप में एक हाउस बना हुआ है नैरो बीच पे, और उसके बाद झुके हुए, उसके बाहर जो हैं झुके हुए पाइन के ट्रीज है, बेंट जो है पाइन के ट्रीज हैं. As a boy, Sadao has climbed the pines, supporting himself on his bare feet, as he had seen men to do in South Seas when they climb for coconuts. So, Sadao जो भी है वो क्या करता है कि उन pine trees पे climb करता है, और जैसे कि उसने देखा वो bare feet यानी बिना अपने किसी footwear के वो coconut जैसे trees पे south के लोग करते हैं ना, बिना footwears के वो चढ़ जाते हैं, ऐसे Sadao भी क्या करता था, खेलते हुए footwears के बिना ही
बेयर फीट ही उन पाइन ट्रीज पे चढ़ जाया करता था. हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड्स ऑफ दो सीज एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से द टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड दोज आइलैंड्स योंडर दे आर द स्टीपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम दैम सदाम है आस्क्ड सीरियसली Who knows? His father has answered, "You can limit our future. It depends on what we make it." So, उनके पापा जो थे वो उनको उस सी के आइलैंड पर भी लेके जाते थे कई बार और वहाँ पर उनको मतलब दिखाते थे और उनको ये बोलते थे उस छोटे से लिटिल से ब्रेव बॉय को ये बोलते थे कि ये जो आइलैंड्स हैं They are wondered that they are steeping stones to the future for Japan. यानी कि ये क्या है Stepping stones हैं यानी कि ये हमारे future हैं जापान का तो इन्हें बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है और सदाओ हमेशा seriously ask उनसे पूछता था कौन जानता है कि ये हमारे मतलब future हैं ऐसा किसने कहा कि ये आइलैंड्स हमारा फ्यूचर है तो उसके फादर बोलते हैं कि हम हमारे फ्यूचर को लिमिट कर सकते हैं हम जो बनाते हैं हम उस पर बिलीव करना चाहिए हमारे फ्यूचर पे बिलीव करना चाहिए यानी कि हम जैसा काम करेंगे हमको वैसा ही मिलेगा अगर आप अच्छा काम करोगे मेहनत करोगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा अगर आप सिर्फ सपने देखोगे काम नहीं करोगे तो आपका अच्छा फ्यूचर कैसे बन पाएगा तो वो उसके फादर उसे हमेशा कहते हैं कि जैसे आप सपने देखते हो जैसा आप काम करते हो जैसा काम करोगे वैसा ही अपना फ्यूचर बना पाओगे सदाओ हैड टेकन इन this into mind as it did everything his father said तो वो भी अपने फादर की बहुत बातें मानता था और सदाओ ने इसको दिमाग में बैठा लिया कि आप जैसा काम करोगे वैसा ही आपका फ्यूचर होगा ठीक है तो उसको मतलब उसने दिमाग में बैठा ली अपनी बात और अपने फादर की हर कही बात को मानता था हिज फादर हु नेवर जोक्ड और प्लेड विद हिम बट हु स्पेंड इनफाइनाइट पेन्स अबाउट अपॉन हिम हु वाज हिज ओनली सन तो उसके फादर जो थे कभी भी उससे बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते या खेलते नहीं थे बट उसको एक बहुत मतलब अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाते रहते थे कि इन सेंस के अपनी जो भी स्ट्रगलिंग लाइफ है लाइफ के बारे में जो फैक्ट्स हैं लाइफ के उसके बारे में हमेशा अपने ओनली सन यानी उनका इकलौता बेटा था और उसको वो सुनाते रहते थे सदाओ न्यू दैट हिज एडुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न सदाओ को ये बिल्कुल पता था कि उसके पापा का सबसे बड़ा एम है कि उसकी एडुकेशन अच्छे से हो जाए For this reason, he had been sent at 22 to America to learn all that could be learned of surgery and medicine. और इसी purpose के लिए जब वो 22 years का था तब सदाओ के father ने उसे America भेज दिया था जिससे कि वो surgery और medicine के बारे में बहुत अच्छे से training ले ले He had come back at 30 और 22 का तो तब वो था और जब वो रिटर्न हुआ वापस तो उसकी एज क्या थी 30 इयर्स यानी 8 इयर्स बाद वो वापस रिटर्न हुआ एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सदाओ बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट और उनके फादर की डेथ हुई उसके पहले उन्होंने सदाओ को एक बहुत अच्छे सर्जन ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट के रूप में भी देख लिया था बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वुंड्स entirely clean he had not been sent abroad with the troops और उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था ऑब्वियसली तो जो वहाँ के जैपनीज डॉक्टर थे ना वो क्या कर रहे थे आर्मी के साथ में डॉक्टर्स को भेज रहे थे है ना इज़न्ट इट डॉक्टर्स भी तो जाते हैं आर्मी के साथ में तो वैसे वो आर्मी के साथ में डॉक्टर्स को भेज रहे थे ट्रूप्स के साथ में लेकिन उन्होंने सदाओ को उस ट्रूप्स के साथ में नहीं भेजा ठीक है ये क्वेश्चन बहुत बार आता है स्टूडेंट्स कि उन्होंने जो गवर्नमेंट थी उन्होंने सदाओ को ट्रूप्स के साथ क्यों नहीं भेजा ऑल्सो ही न्यू देयर वॉज सम स्लाइटर डेंजर दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर अ कंडीशन फॉर विच ही वॉज नाउ बींग ट्रीटेड मेडिकली एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाओ वॉज बींग कैप्टन जापान तो उसका मेन रीज़न ये था कि उसे ट्रूप्स के साथ इसलिए नहीं भेजा गया क्योंकि आर्मी का जो जनरल था उसकी तबीयत ठीक नहीं थी उसे किसी भी वक्त ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी तो उसको किसी और डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं था वो मेडिकली सिर्फ किस पे ट्रस्ट करता था डॉक्टर सदाओ पे ट्रस्ट करता था और
इसी वजह से ही वॉज नॉट सेंड विद द ट्रूप्स, ठीक है, ही वॉज कैप्ट इन जापान बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली, जनरल की वजह से. Clouds were rising from the ocean now. The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the cold waves. तो clouds जो थे वो ocean से rise हो रहे थे, भाप बन के जो clouds निकलते हैं वैसे ocean से निकल रहे थे, और बहुत ज़्यादा मतलब वो जब पास्ट के बारे में सदाओ अपने सोच रहा था, कैसे वो बीच पर खेलता था, क्या करता था, तो वो सारी चीज़ें उसे याद आ रही हैं. और उस समय थोड़ी सर्दी थी, बहुत ज़्यादा हैवी फॉग हो रखा था, बहुत धुंधलापन था, और कोल्ड वेव्स चल रही थी, बहुत ठंडी जो थी वो हवाएं भी चल रही थी, और ठंडी लहरें जो थी वो ओशन से उठ रही थी. सदाओ वॉच्ड मिस्ट हाइड आउटलाइंस ऑफ अ लिटिल आइलैंड नियर द शोर. और सदाओ अपनी बालकनी में खड़ा है और सदाओ देख सकता है कि उस धुंधली सी पूरा फॉगी एरिया हो रहा है सब जगह, तो वो देख सकता है कि जो छोटा सा आइलैंड है ओशन के अंदर वो भी धुंधले मतलब बहुत ज़्यादा धुंधला दिख रहा है. एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस. तो उसने देखा कि एक ऐसे आउटलाइन है किसी की और वो शोर के पास आता जा रहा है, ठीक है, यानी कोई इंसान है उसकी आउटलाइन दिख रही है, मतलब क्योंकि फॉग में वो जज नहीं कर पा रहा है कि कौन है, तो एक आउटलाइन सी दिख रही है, वो शोर के पास आ रहा है और फिर क्रीपिंग अप द बीच यानी कि बीच पे क्रीपिंग कर रहा है ना, यानी कि रेंग सा रहा है वो, और उसके हाउस के नीचे तक आ गया है. रेडिंग अराउंड द पाइन्स, और जो पाइन के जो ट्रीज हैं उसके आसपास वो रेंग रहा है. इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू. और थोड़ी ही देर में जो फॉग है उस घर को भी जहाँ सदाओ था उसको भी ढकने वाला था. देन ही वुड गो इन टू द रूम वेयर हना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द टू चिल्ड्रन. फिर वो अंदर रूम पे गया जहाँ अब उसकी वाइफ है हना और उसके दो चिल्ड्रन हैं सदाओ के, ठीक है. सो अभी का ये सीन क्लियर है कि सदाओ एक सर्जन है, उसने एक आउटलाइन देखी, किसी इंसान को देखा जो कि सी शोर से फॉग है तो उसको अच्छे से दिखाई नहीं दिया, तो सी शोर से वो उसके घर के नीचे तक रेंगता हुआ आया है, ठीक है. और बहुत डार्कनेस है, रात का समय है, तो बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो जो सदाओ हैं उनकी वाइफ है हना और उनके दो चिल्ड्रन हैं, ठीक है. और सदाओ के फादर हमेशा उन्हें बहुत सक्सेसफुल साइंटिस्ट और सर्जन देखना चाहते थे, और वो क्यों नहीं गए, क्योंकि जनरल जो थे उन्होंने उनको ट्रूप्स के साथ जाने से मना कर दिया था बिकॉज ऑफ हिज ऑपरेशन, नीड फॉर एन ऑपरेशन, ठीक है. सो दिस सीन इज क्लियर, और हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं.